ये दृश्य है खूबसूरत श्री हरमंदिर साहब के बाहर का पिक्चर जो है वो दिखाई जा रही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में आखिर हुआ क्या कुछ था। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा लग रहा है अभी स्वर्ण मंदिर। अभी तक 104 साल हो गए जलियांवाला बाग हत्याकांड को और ये उसी समय की दीवार है और इस पर जो है आप अभी भी बुलेट्स के मार्क जो है ना वो देख पा रहे होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं स्मारक जो है वो बनाई गई है उन लोगों की याद में जो शहीद हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। और यहाँ पर आप देख सकते हो मोहम्मद इकबाल का एक कथन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए ब्लॉग में। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ अभी अमृतसर में और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कम्प्लीट टूर करवाने वाला हूँ अमृतसर के दो फेमस प्लेसेस जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल का। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अमृतसर जो है वो पहुंच सकते हैं, अगर आप अमृतसर आते हैं तो कौन सा वेदर आपके लिए सबसे ज़्यादा सूट करेगा और अगर आप अमृतसर आते हैं तो कहां आपको जो है स्टे करना चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस व्लॉग को। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अमृतसर जो है किस तरह से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अमृतसर अगर आप आना चाहते हैं तो बाय ट्रेन, बाय बस और बाय फ्लाइट तीनों ही माध्यम से जो है बड़ी आसानी से अमृतसर आप पहुंच सकते हो। मैं जो है बाय ट्रेन आया हूं, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हो अमृतसर का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको बता दूँ कि अगर आप गोल्डन टेम्पल जाना चाहते हो तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ से टैक्सी, ऑटो और बसेस वगैरह जो है वो गोल्डन टेंपल के लिए मिल जाती है। सामने दोस्तों आप देख सकते हो ऑटो वगैरह जो है आपको इजीली मिल जाएंगे गोल्डन टेंपल के लिए, आपसे 40 से 50 रुपए लेंगे। और अगर दोस्तों आप फ्री सर्विस लेना चाहते हो गोल्डन टेंपल तक की तो ये बसेस जो है वो श्री हरमंदिर साहिब ट्रस्ट की तरफ से जो है वो चलाई जाती है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में जो है गोल्डन टेंपल तक छोड़ने का कार्य करती है। फिलहाल दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूँ हेरिटेज स्ट्रीट पर और यहाँ पर जो गोल्डन टेंपल ट्रस्ट की तरफ से बस चलाई जाती है उसी के माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बाकी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बाय ऑटो, टैक्सी या बस किसी भी माध्यम से यहाँ आते हो तो आपको हेरिटेज स्ट्रीट पर ही उतार दिया जाता है, इसके आगे किसी भी व्हीकल को जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाती है। तो हेरिटेज स्ट्रीट से जो गोल्डन टेंपल की दूरी है वो है मैक्सिमम 500 से 600 मीटर की, तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का समय जो है वो लगने वाला है हेरिटेज स्ट्रीट से गोल्डन टेंपल तक का। फिलहाल दोस्तों हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं जहां पर अब मेरे पीछे आप देख सकते होंगे आपको गोल्डन टेंपल का प्रवेश द्वार जो है वो नजर आ रहा होगा और अगर इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ जो है आपको जलियांवाला बाग का प्रवेश द्वार नजर आ रहा होगा। तो अभी जो है दोस्तों आपको लेकर जाएंगे हम सबसे पहले जलियांवाला बाग, क्योंकि गोल्डन टेंपल के दृश्य जो है वो रात के समय और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। तो गोल्डन टेंपल के दर्शन जो है वो आपको रात के समय करवाएंगे, उससे पहले लेकिन अभी चलते हैं आपको लेकर जलियांवाला बाग के अंदर। दोस्तों जब आप जलियांवाला बाग के अंदर जाएंगे ना तो उससे पहले आपको बाहर ये स्टैचू टाइप का जो है वो नज़र आएगा और इसके नीचे आप देख सकते हो कुछ नाम जो है वो लिखे गए हैं, मे बी ये उन लोगों के नाम है जो शहीद हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। दोस्तों ये रहा जलियांवाला बाग का एंट्री गेट और इधर पे जो है टाइमिंग लिखी गई है जलियांवाला बाग की, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे जो है ये ओपन रहता है जलियांवाला बाग। ये गर्मियों के समय की टाइमिंग है और ये जो है एंट्री है जलियांवाला बाग की और ये वो ही प्रवेश द्वार है जिससे कि जनरल डायर जो है वो अंदर आया था जलियांवाला बाग के अंदर और उसने जो है इस द्वार को जो है बंद कर दिया था ताकि कोई भी जो है इससे बाहर ना जा सके।
ये देखिए और जैसे ही आप जलियावाला बाग के अंदर आते हैं ना तो कुछ इस तरह का दृश्य जो है ना वो नजर आता है आपको। तो अभी जो है दोस्तों अपने को जाना है इधर, यहाँ पर एंट्री जो है वो लिखी गई है, ये एक कमरा टाइप का जो है वो बना है और ये आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर टाइप की जो है वो दिखाई जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लिखी गई है। आई थिंक जो भी जलियावाला बाग से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी गई है। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक पिक्चर जो है वो दिखाई जा रही है कि जलियावाला बाग हत्याकांड में आखिर हुआ क्या कुछ था। कुछ इस तरह का दिखता है ये मॉल, वहाँ पर भी आप सामने देखेंगे तो एक पिक्चर टाइप की जो है आपको दिखाई जा रही होगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ से जो है बाहर निकलने का रास्ता है। तो वहाँ से हम एंट्री हुए थे और यहाँ से जो है एग्जिट हुए हैं। दोस्तों अभी जो हम कमरे में गए थे जिस उसमें जो है कुछ पिक्चर टाइप की जो है वो दिखाई जाती है आपको कि जलियावाला बाग हत्याकांड के दौरान हुआ क्या कुछ था। और अब जो है दोस्तों हम आपको लेकर जा रहे हैं शहीदी कुआं दिखाने। शहीदी कुआं के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि जब जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था और जब अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी तो उस समय जो है लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जो है ना उसमें छलांग लगा दी थी। वो अभी लेकर चलते आपको शहीदी कुआं जो है वो दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है शहीदी वेल यानी कि शहीदी कुआं। और ये रहा दोस्तों शहीदी कुआं, मैं आपको और भी पास से दिखाता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों अभी तो शीशे लगे हैं तो इसकी गहराई एग्जैक्ट आपको दिख नहीं रही होगी। ये आप देख सकते हो दोस्तों ये है वो शहीदी कुआं। और सामने जो है दोस्तों आप वॉल देख सकते हो, इस दीवार पर जो है ना अभी भी बुलेट के मार्क्स जो है वो आप देख पा रहे होंगे। जो ये मार्किंग की गई है ना ये बुलेट्स की मार्किंग है। और देख सकते हो आप अभी तक 104 साल हो गए जलियावाला बाग हत्याकांड को और ये उसी समय की दीवार है और इस पर जो है आप अभी भी बुलेट्स के मार्क जो है ना वो देख पा रहे होंगे। देखा दोस्तों ना आपने कि 104 साल बीत चुके हैं हत्याकांड को लेकिन अभी भी जो है बुलेट्स के मार्क किस तरह से दीवारों पर बने हुए हैं। तो उससे आइडिया आप लगा सकते हो जब ये हत्याकांड हुआ था उस समय का जो मंजर रहा होगा कितना दर्दनाक रहा होगा, कितना मुश्किल वो मंजर रहा होगा उन लोगों के लिए जो उस हत्याकांड के दौरान यहाँ पर मौजूद थे। तो चलिए दोस्तों अब जो आपको एक छोटी सी हिस्ट्री जो है जलियावाला बाग के बारे में वो बता देते हैं। तो हुआ क्या था कि 8 मार्च 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर किसी भी इंडियन को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के जो है अरेस्ट कर सकता था। तो इसी एक्ट का विरोध करने के लिए जो है 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे। और जब इस बात का पता जनरल डायर को चला तो वो अपने ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर पहुँचा और उसने जो है बिना किसी चेतावनी के निर्दोष और निहत्ते लोगों पर जो है फायर करने के आदेश अपने ऑफिसर्स को दे दिए। उसमें हुआ क्या कि काफ़ी सारे निर्दोष लोग जो है वो शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बुलेट मार्क्स के बारे में बताया गया है। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये देख सकते हैं आप ये वही दीवार है जिस पर अभी भी जो है
28 गोलियों के निशान है। देख सकते हैं आप, 104 साल हो चुके हैं और दीवारें जो है अभी भी बता रही है कि कितना दर्दनाक वो मंजर रहा होगा जब ये गोलियां जो है यहाँ पर चलाई गई थी। और इधर दोस्तों आप देख सकते हैं एक स्मारक जो है वो बनाई गई है उन लोगों की याद में जो शहीद हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। ये देखिए कितने को, ये देखिए कमल का फूल है मे बी, और ये स्मारक जो है वो देख सकते हैं आप। इधर जो है दोस्तों आप देखते हैं, इधर है सॉल्वेशन ग्राउंड, और यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर लोगों के कथन जो है वो लिखे गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल मोहन सिंह का एक कथन है कि यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह दशकों से भारतीयों का खून चूस रहे इन राक्षसों से युद्ध करे और उनको देश से खदेड़ दे। यहाँ पर आप देख सकते हो मोहम्मद इकबाल का एक कथन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा। तो ये है सॉल्वेशन ग्राउंड जहाँ पर आपने देखा काफ़ी सारे कथन जो है वो लिखे गए हैं। जैसे आपने जनरल मोहन सिंह का कथन देखा, लाला राजपत राय का कथन था यहाँ पर, भगत सिंह जी का कथन था, काफ़ी सारे कथन जो है वो लिखे गए हैं सॉल्वेशन ग्राउंड पर। तो ये था दोस्तों जलियांवाला बाग, और अब जो है हम पहुंच चुके हैं एग्जिट गेट की तरफ। इधर आप देखेंगे तो इधर है एग्जिट गेट, और अब जो है यहाँ से बाहर चलते हैं और आपको जो है गोल्डन टेंपल के अंदर लेकर चलते हैं, आपको अब जो है गोल्डन टेंपल के दर्शन कराते हैं। हाँ दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ गोल्डन टेंपल यानी कि श्री हरमंदिर साहब के बाहर, और आपको जो है पहले यहाँ का व्यू जो है ना वो दिखाता हूँ अंदर जाने से पहले। ये देखो दोस्तों, ये दृश्य है खूबसूरत श्री हरमंदिर साहब के बाहर का। ये देखिए कितना खूबसूरत सा नजर आ रहा है अभी ये गोल्डन टेंपल का ये प्रवेश द्वार है, और अभी शाम के बज रहे हैं 7, टाइम देख सकते हो आप सामने, और यहाँ पर फवारे आप देख सकते हो। बाकी ये टाइलें जो है ना देख रहे हो आप, संगमरमर की ये टाइलें है और बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही खूबसूरत ये अभी लग रही है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी गोल्डन टेंपल के बाहर का, और भीड़ तो आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा रश है इस समय, शाम का समय है तो थोड़ा सा रश और होएगा अभी। तो दोस्तों अभी जो है बज चुके हैं 7:45 और लाइट्स वगैरह आप देख सकते हो पीछे ऑन हो चुकी है। तो अभी जो है दोस्तों आपको लेकर चलते हैं आप गोल्डन टेंपल के अंदर और दर्शन कराते हैं आपको गोल्डन टेंपल के। तो ये रहा दोस्तों गोल्डन टेंपल का रास्ता, सबसे पहले आपको इधर से ही जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो आपके शूज़ वगैरह जो है वो जमा हो जाते हैं। ये देख सकते हो आप जूता घर है इधर, तो देख सकते हो यहाँ पर है जूता घर, और इस खिड़की से जो है आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है आपके जूते वगैरह जमा हो जाते हैं, और कुछ इस तरह का टोकन जो है वो मिलता है। जैसे ही दोस्तों आप गोल्डन टेंपल के एंट्री गेट से एंट्री करते हो तो आपको खूबसूरत सा गोल्ड प्लेटेड गोल्डन टेंपल जो है देखने को मिल जाता है, जिसका दृश्य आपके मन को मोह लेने वाला है। गोल्डन टेंपल एक सरोवर के बीचों बीच बनाया गया है जिसे कि अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, और इसी सरोवर के नाम पर अमृतसर शहर का नाम अमृतसर रखा गया है। गोल्डन टेंपल का असल नाम दोस्तों श्री हरमंदिर साहिब है, लेकिन फुल्ली गोल्ड प्लेटेड होने के कारण इसे गोल्डन टेंपल
और स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन टेंपल को बनाने का कार्य 1577 में शुरू किया गया और 1604 में गोल्डन टेंपल को पूरी तरह से बना दिया गया। तो गोल्डन टेंपल के अनेकों तीर्थ स्थान में से एक है पीर बाबा बुड्ढा साहिब का तीर्थ स्थान। कहा जाता है जब गोल्डन टेंपल को बनाने का कार्य चल रहा था ना, तो इसी वृक्ष के नीचे जो है बाबा बुड्ढा जी बैठकर कार्य की निगरानी जो है वो करते थे। तो गोल्डन टेंपल में दर्शन करने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ बाहर की ओर, और जैसे ही आप गोल्डन टेंपल से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको एक बहुत बड़ी सी मार्केट जो है ना वो मिलती है। यहाँ पर आपको खाने पीने के काफी ऑप्शंस मिलते हैं, शॉपिंग वगैरह अगर आप करना चाहें तो इस मार्केट के अंदर कर सकते हैं। तो अभी मार्केट जो है ना वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये दोस्तों अभी मार्केट के अंदर कितनी भीड़ है, इस तरफ आप देख सकते हो बैग्स वगैरह है, काफी चीजें आपको मिल जाएगी इस मार्केट के अंदर। और आप सड़क देखेंगे ना मार्केट के बाहर की भी, तो बिल्कुल साफ सुथरी ये सड़क है, और रश अभी काफ़ी ज़्यादा है, रात का समय है। तो बाकी आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत सी ये मार्केट जो है वो नज़र आ रही है। अगर आप अमृतसर आते हो तो आपको जो है ना गोल्डन टेंपल के बाहर बहुत सस्ते दामों पर होटल्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, जहां पर आप स्टे कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप गोल्डन टेंपल या अमृतसर आना चाहते हो तो अक्टूबर से लेकर मार्च का जो मंथ होता है यहां पर आने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। अब आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और जल्द मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।